गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज हमारे इस चैनल टिमटिम गाइडेंस 1111 पर। सो गाइज, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कुछ इस तरह की एनर्जी बार बार फोर्स कर रही है कि मुझे यूनियन के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए गाइज, कलेक्टिव में अभी यूनियन की एनर्जी है, तो शायद डिवाइन का भी यही मर्जी है कि मुझे यूनियन के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए गाइज, इस तरह की वीडियोज़ हम लोग हमारी मर्जी से नहीं बना सकते, ठीक है? डिवाइन का जो भी गाइडेंस मिलता है, जो भी डाउनलोड मिलती है, उसी हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है? सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे साइन को शेयर करने वाली हूँ जो साइन आपको आपकी यूनियन से 2-4 महीने पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? जब आप आपकी यूनियन के बहुत करीब होते हैं तभी आपको इस तरह की साइन मिलती है, ठीक है? तो उन सारे साइन को मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ओके? तो सबसे पहला साइन आपको इस तरह की वीडियोस के थ्रू मिलती है, मतलब सपोज आप अपना यूट्यूब ऑन किया और सडनली आपके सामने मेरा ये वीडियो आ गया, या फिर किसी और चैनल की यूनियन वाली वीडियो सडनली आपके सामने पॉपअप हो गया। आप बार बार इस तरह की वीडियोस को इग्नोर करने के बावजूद भी आपके सामने वही सेम वीडियो पॉपअप होती रहती है जब तक आप उन वीडियोज़ को नहीं देख लेते हैं। क्योंकि मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ हम लोग हमारी मर्जी से नहीं बना रहे हैं, ये सब वो डिवाइन ही हमसे बनवा रहा है, क्योंकि हम लोग डिवाइन का काम कर रहे हैं, ओके? देखिए गाइस, ये वीडियो मैं आज यानी कि 1 मार्च 2024 में बना रही हूँ। तो जितने भी सारे लोग मेरे साथ इस वक्त इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप सभी ने आज इस वीडियो को देख पाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ओके? इस वीडियो को कुछ नए लोग भी देख सकते हैं जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग वाकई यूनियन की एनर्जी में है उन लोगों के सामने ये वीडियो ज़रूर पॉपअप होगा। इसलिए अगर आपके सामने मेरा ये वीडियो आज पॉपअप हुआ और आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लिया, तो आज से लेके 2 से 4 महीने के बाद आपकी यूनियन पक्का होने वाली है, ठीक है? या फिर जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी, 1 साल बाद हो या फिर 2-4 साल बाद हो, जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होगी, उसी से 2-4 महीने के बाद आपकी यूनियन ज़रूर होगी। इसलिए आप इस वीडियो को एक 100% कन्फर्मेशन साइन भी मान सकते हैं, ठीक है? जो आपको ये कन्फर्मेशन देता है कि आपकी यूनियन पक्का होने वाली है, ओके? अब नेक्स्ट साइन ये है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलता है, मतलब आपका कनेक्शन मदर नेचर के साथ बढ़ता जाएगा, ओके? पेड़ पौधे, नदियाँ, समंदर, एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब सारे नेचुरल चीज़ों से आपका एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता जाता है, ठीक है? मदर नेचर की लैंग्वेज को आप आसानी से समझने लगते हो, ठीक है? आपको हर चीज़ों से कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो जाती है, ठीक है? आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलता है। अब नेक्स्ट जो साइन है ये बहुत ही कॉमन साइन है, जिसके बारे में मैं मेरी पुरानी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, बट फिर भी जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की यूनियन से पहले आपको आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू भी बहुत सारे साइन मिलती है। जैसे कि आपकी यूनियन से पहले आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में आने लगती है, ठीक है? आप अगर बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपकी वेट लॉस एक नेचुरल तरीके से होने लगता है, मतलब विदाउट डाइटिंग, विदाउट जिम, विदाउट एनी एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस होती है, ठीक है? मतलब आपकी बॉडी एक नेचुरल वे में एक परफेक्ट शेप में आ जाती है, ठीक है? या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो एक नेचुरल तरीके से, एक नेचुरल प्रोसेस में आपका वेट गेन भी होता है, ओके? ऐसे और भी बहुत सारे फिजिकल साइन आपको आपकी बॉडी के थ्रू भी मिलता है, जैसे कि आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, आपकी फेस में, आपकी आँखों में एक नेचुरल चमक आ जाता है, ठीक है? आपकी हेयर फास्टर ग्रो करने लगती है, ठीक है? आपको मदर नेचर एक नेचुरल तरीके से तैयार करने लगती है आपकी यूनियन के लिए, ओके? अब नेक्स्ट साइन जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है, देखिए गाइस, आपकी यूनियन से पहले आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि आगे आपकी यूनियन होने वाली है, मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? आप किसी के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वो बात सच होने लगती है, ठीक है? या फिर आप जो भी ड्रीम्स देखते हैं वो ड्रीम 2-4 दिन के अंदर सच हो जाती है, आपकी रियलिटी में आपके सामने आ जाती है, ठीक है? तो आप देखिए कि आपकी इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रांग है, उसी से आप खुद पता कर पाएंगे कि आपकी यूनियन कब होने वाली है, ओके? अब नेक्स्ट जो साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है,
देखिए गाइस, जैसे कि मैं इससे पहले बोला कि आपकी यूनियन से पहले आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको अंदर से एक सुकून महसूस होती है, ठीक है। आप अंदर से पूरी तरह शांत हो जाते हैं क्योंकि आपकी सोल अंदर से खुश होता है। आपकी सोल को पहले से ही पता होता है कि आगे आपकी यूनियन होने वाली है, इसलिए आप अपनी अंदर की हैप्पीनेस से भी पता कर पाएंगे कि आपकी यूनियन आगे होने वाली है या नहीं, ठीक है। आपको अंदर से आपकी आउटर ट्विन के लिए उतना ज़्यादा क्रेविंग फील नहीं होगा, आपकी अंदर की बेचैनी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है, ओके। अब नेक्स्ट जो साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलता है, देखिए गाइस, यूनियन से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेजाबू वाली फीलिंग्स आती है, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें होता है जिसे एक्सपीरियंस करते टाइम आपको ऐसा फील होता है जैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले से ही हो चुकी है, ठीक है। आप उस पल को बहुत पहले से ही जी चुके हैं, मतलब आपकी पास्ट लाइफ की कुछ झलक आपकी इस लाइफ में रिपीट होता है जिसे आपका माइंड सडनली याद नहीं कर पाती है कि ये सब आपके साथ क्या हो रही है, ये सब आप क्या फील कर रहे हैं, ये सब आपके साथ कब और कहाँ हुआ था। बट आपकी सोल को सब कुछ याद रहता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपके साथ पहले से ही हो चुकी है, बट आप उसे क्लियरली याद नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे कॉमन साइन है, जैसे कि आप कभी कभी बातें करते टाइम अनजाने में आपके आउटर ट्विन के जैसा जेस्चर पोस्चर बना लेते हो, या फिर उनके जैसा बातें करने लगते हो, उनके जैसा स्माइल, उनके जैसा लुक देते हो, जिन्हें देख के आपको आपकी फ्रेंड्स या फिर जो भी लोग आपके क्लोज है वो लोग आपसे ये बोलते हैं कि आपकी बातें करने का तरीका पूरी तरह चेंज हो गई है, या फिर आपकी स्माइल, आपकी लुक सब कुछ चेंज हो गई है। तो ये भी एक साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है, ठीक है। एंड कभी कभी जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो सडनली आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी ट्विन को देख रहे हो, ठीक है। आपको आपका फेस आपकी ट्विन के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है, ठीक है। एंड आपके मन में आपके ट्विन के लिए कोई भी गुस्सा, कोई भी नाराज़गी नहीं रहता है, चाहे आप दोनों की सेपरेशन कितना भी बिटर कन्वर्सेशन से हुआ हो, आप उन्हें पूरी तरह माफ़ कर देते हैं, ओके। जैसे आप खुद को आसानी से माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप आपकी ट्विन को भी आसानी से माफ़ कर देते हैं। एंड आपके मन में आपके ट्विन के लिए फिर से उतना प्यार भर जाता है जितना प्यार आप दोनों बबल लव फेज में एक दूसरे से किया करते थे, ठीक है। आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, आप अनकंसल लव में आ जाते हैं। आपके दिल में उनके लिए जितना प्यार था वो प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, ओके। वो चाहे आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, कितना भी हर्ट क्यों ना करे, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है, अंदर से पता होता है कि वो सच में आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपको हर्ट कर रहे हैं। वो आपको हर्ट करना, आपको इग्नोर करना, उसके पीछे उनका प्यार ही है जो वो उनकी इस गुस्से के जरिए आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी गुस्सा होना भी प्यार है, ठीक है। एक दूसरे को हर्ट करना, इग्नोर करना, साइलेंट रहना, ये भी प्यार होता है, ठीक है। तो अगर आपका पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, साइलेंट है, बट फिर भी आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रही है, आपको अंदर से पता होता है कि वो पर्सन आपको प्यार कर रहा है, ठीक है। उनकी इस इग्नोरेंस के पीछे, उनकी इस हर्ट के पीछे उनका प्यार ही है। तो आप समझ जाइए कि आपकी यूनियन बहुत करीब है, मतलब ये एक साइन है जो आपको आपकी यूनियन से पहले मिलती है। एंड यूनियन से पहले आप उनकी फिजिकल प्रेजेंस को हर जगह महसूस करते हैं, जैसे वो आपके साथ साथ है, ओके। वो कंटिन्यूसली आपके ड्रीम में आते हैं, ओके। ड्रीम में उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, ओके। आप दोनों की यूनियन में जो भी चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं, आपके सामने से सारे इल्यूजन हट जाता है, ओके। सो गाइस, ये सारे साइन मुझे मिला था, मतलब हमारी यूनियन से 2-4 महीने पहले ही ये सारे साइन मुझे मिलना शुरू हो गया था, उसके बाद हमारी यूनियन हुई। ऐसे और भी बहुत सारे साइन है जिन्हें मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप देखिए कि आपको इनमें से कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए हैं या फिर नहीं, आपके अंदर अनकंडीशनल लव है या नहीं,
ठीक है, आपकी सारे गुस्सा सारा नाराजगी प्यार में बदल गई है या नहीं, उसके बाद यूनियन पक्का हो जाएगा। ओके, सो गाइज आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फिल्म्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फिल्म्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।